हाय स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कनाडा जाना चाहते हैं। पिछले कुछ टाइम से काफी सारे स्टूडेंट्स में थोड़ी नेगेटिविटी आई थी, लेकिन अब बच्चों का रुझान फिर से कनाडा में बढ़ा है, क्योंकि अब ये न्यूज आने लगी है कि बच्चों को वहाँ काम मिल रहा है, अकोमोडेशन जो है वो अब खाली पड़ी है। तो पहले प्रॉब्लम क्या आ रही थी, अकोमोडेशन नहीं मिल रही थी, अब क्या है, अकोमोडेशन खाली हो रही है। वीज़ा ट्रेंड देखें तो उन्होंने कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जो एकदम भीड़ जा रही थी उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने PEL की रिक्वायरमेंट रख दी। तो नेचुरल है, हर कॉलेज को उन्होंने एक टारगेट दे दिया कि इससे ज़्यादा बच्चा आप एनरोल नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप थे। अब आपकी तरफ से क्या स्टेप होने चाहिए कि आप कनाडा जाएं और सक्सेसफुल हों। देखिए, कनाडा एक ऐसा कंट्री है जो सबसे इजी परमानेंट रेजिडेंसी देता है। वर्ल्ड में कोई कंट्री इतनी इजी परमानेंट रेजिडेंसी नहीं देता है। अगर स्टूडेंट्स ये मौका खराब करते हैं तो फिर शायद 6 मंथ 1 ईयर बाद जब भी अब कनाडा के इलेक्शन होने हैं, गवर्नमेंट नहीं आनी है और स्ट्रिक्ट होगा, वीजा आपको नहीं मिलेगा, फिर आप लाइन में खड़े होंगे और यू विल नॉट बी एबल टू गेट वीजा। अब आप देखिए, GIC 1 ईयर की जा रही है और फीस आपकी 1 ईयर की चली जाती है। दैट मीन्स आपके पेरेंट्स ने 1 ईयर के आपके खर्चे दे दिए हैं। तो किसी भी अच्छे स्टूडेंट के लिए मेरे ख्याल 3 to 4 months 5 months सफिशेंट होते हैं जॉब ढूंढने के लिए। अगर हम कहें कि 1 ईयर का खर्चा लेके जा रहे हैं, फिर तो हमें वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, अगर आप जॉब चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको वो कोर्स लेना चाहिए जिसमें एम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा होता है, जैसे कि आईटी का पूरे ऑस्ट्रेलिया में बहुत स्कोप है। अब अल्बर्टा की साइड हम बात करें तो आईटी हो, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग हो, हेल्थ साइंस हो, ये सारा अल्बर्टा की साइड बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। सस्केचवान की बात करें, सस्केचवान में अगर एग्रीकल्चर साइंस करना है तो आप उधर जाइए। नोवा स्कोशिया की बात करें, एग्रीकल्चर, आईटी या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग, ये सारे उस साइड बहुत ज़्यादा चलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई सिलेक्शन करते हैं किसी कंट्री में जाने का, तो हमारे लिए स्टेट भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी स्टेट में हमें कौन से कोर्स करके सबसे ज़्यादा जॉब मिलेंगी। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ आप विदाउट IELTS अप्लाई कर सकते हैं कनाडा में। अब मान लीजिए यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है 6.5 बैंड और आपके आए हैं 6 बैंड। अब ये दोनों को आप कैसे कनेक्ट करेंगे? 6.5 बैंड की अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे तो आप क्या करेंगे, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश का आप सर्टिफिकेट देंगे कि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं और आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। तो जो आपने 6.5 बैंड से नहीं किया तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या हो गई कि आपकी पूरी हो गई। अब हाई कमीशन की रिक्वायरमेंट फाइल लगाने की SDS में 6 बैंड है। तो अगर मान लीजिए आपके 6 बैंड आए हैं तो आपने हाई कमीशन की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी और यूनिवर्सिटी को आपने MOI दे दिया, तो आपकी वीज़ा रिक्वायरमेंट सब पूरी हो गई और आपका वीज़ा आ गया, वो भी वो स्टेट्स में जिसमें आपका जिस कोर्स में जॉब चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, वो ही कोर्स हम आपको लेके देते हैं। जैसे अभी मैं बता रही थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा इस टाइम डिमांड में है, IT के हो गए, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी में देखो, एथिकल हैकिंग सबसे ज़्यादा फेमस है इस टाइम। तो IT के साथ इंजीनियरिंग में बहुत सारे इंजीनियरिंग के कोर्स हैं, जैसे आपका पेट्रोलियम इंजीनियरिंग मैंने बताया, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, या आपके इंजीनियरिंग में तो आप देखिए केमिकल के साथ पेट्रोलियम आ जाएगा, फिर आपका मैकेट्रॉनिक्स बहुत अच्छा कोर्स है, क्योंकि मैकेनिकल वालों के लिए ये कोर्स बहुत अच्छा है, जो मैकेट्रॉनिक्स में रोबोट्स का यूज़ होता है, जो कोर्स में मीन्स जो रोबोट एंड
ह्यूमन माइंड कैसे काम कर सकता है, दैट्स अ कॉम्बिनेशन। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कोर्स। तो जब भी आप कैनेडा जाएं, तो अगर आपने स्टेट और कोर्स का तालमेल बिठा लिया, तो कभी आप अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे और कभी आप सेटलमेंट के बिना नहीं होंगे। अगर ऑर्डिनरी कोर्स कर लेके जाते हैं तो मस्ट भी आपकी सैलरी 50-60,000 हो, लेकिन स्पेशलाइज्ड कोर्स लेंगे तो आपकी सैलरी 100-150,000 डॉलर के बीच में आएगी। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी कि हमें कॉम्बिनेशन कैसे बनाने चाहिए, कोर्सेज को लेके, कंट्री को लेके, अपनी अफोर्डेबिलिटी को लेके। अगर मान लीजिए हम कैनेडा जाना चाह रहे हैं और हमारे पेरेंट्स की उतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, क्योंकि 20,000 डॉलर GIC दिखाने हैं, तो वी डू हैव ऑप्शन कि हम टोटल 25,000 डॉलर में आपको भेज सकते हैं, क्योंकि मॉन्ट्रियल की जो रिक्वायरमेंट है GIC की वो है 15,000 डॉलर। और गवर्नमेंट कॉलेजेस जो पर्सनल सपोर्ट वर्कर इस टाइम कोर्स सबसे ज़्यादा डिमांड में है, पोस्ट स्टडी वर्क भी जिसका आपको अवेलेबल है, उसकी 10,000 डॉलर फीस। मीन्स जस्ट आप जैसे फ्री के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो दिस कैन बी अगेन वेरी गुड ऑप्शन। जस्ट 25,000 डॉलर मीन्स 16-17 लाख में आप चले गए एंड आपने पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का कोर्स भी ले लिया, और 15,000 डॉलर भी आपके अपने अकाउंट में है जो कि आपके GIC में गए हैं। और एक चीज़ का मैं और अपडेट कर दूं कि जो अभी GIC जा रही हैं, तो बहुत सारे बैंक आपको 6-8,000 डॉलर इमीडिएट आपके अकाउंट में रिफंड कर देते हैं, तो वो भी आप पे एक बहुत प्रेशर नहीं पड़ रहा है। तो आई थिंक लॉट ऑफ अपडेट्स आई हैव गिवन टुडे। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। अप टू दैट टाइम स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो यू कैन गेट लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच वंस अगेन।